तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द आईआर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोर्स दिया गया सनलाइट, यह आपका ग्लास सेल दिया गया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर का लेवल आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे ट्रांसमिटेशन लाइट दिया गया है और ये आपका डिटेक्टर है। यहाँ पे म्यूजिकल टू वन अपॉन लेमटा होता है, आपको पता होगा। ये आपका रिकॉर्डर है। ओके, यहाँ पे सोर्स के बारे में बताया गया है कि इंफ्रारेड रेडिएशन लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, और यहाँ पे वेवलेंथ कितना दिया गया है, यहाँ पे 100, 200, 300 एंड 400 नैनोमीटर दिया गया है। ओके, और यहाँ पे एनर्जी फोटोन के रूप में दिया गया है, और यहाँ पे एच सी डबल बाउंड और यहाँ पे एस दिया गया है, जिसे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और इसका क्या हो रहा है, इंटर ऑटोमिक बाउंड यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, जिसमें दो चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसमें आपका स्ट्रेचिंग एंड द बेंडिंग आ रहा है फॉर द लीनियर, जो आपका CO2 है, तो 3N आपका -5=4, यहाँ पे 3N-6=6 दिया गया है। और H क्या है, आपका नंबर ऑफ ऑटोम है। और यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा जिसमें ट्रांसमिटेशन दिख रहा है, यहाँ पे वेवलेंथ दिख रहा है 100, 200, 300, 400, 500, इस तरीके की चीजें दी गई है। यहाँ पे 10, 20, 40, 60, 80 एंड 100 आपको दिख रहा होगा, 50%, 65%, और यहाँ पे एक वाइब्रेशन मूवमेंट आपको दिख रहा है। ये आपका क्या है, अब्सॉर्प्शन रीजन है, और ये आपका क्या है, फिंगर प्रिंट रीजन है। ओके, और इसके बारे में थोड़ा सा और जो पार्ट है हमारा वो यहाँ पे है। जैसे पीक्स की हम बात करें तो दो भागों में इसको बांटा गया है, शेप एंड इंटेंसिटी। शेप आपको दो भागों में है, पहला आपका है ब्रिड, दूसरा है सार, जिसमें ड्यू टू द एच बॉन्डिंग, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक। ये आपको एक ब्लॉक, एक जो बॉक्स है उस बॉक्सिंग में इसको दिखाया गया है। ये उसका ग्राफ है, प्लॉटेड ग्राफ जो कि दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे इस तरफ का पार्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप रिजिन स्ट्रेचिंग है, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिजिन स्ट्रेचिंग बेंडिंग है। ओके, तो ये आपका क्या है, बेसिक सा फंडामेंटल है। अब कुछ एप्लीकेशन है जो कि आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आते हैं। पहला आपका आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा आता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तीसरा आपका आता है डिटरमिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ द सैंपल, एंड फोर्थ आता है आपका प्रेजेंस ऑफ द वाटर इन द सैंपल, और आपका फिफ्थ क्या आता है, शेप एंड द सिस्टमेटिकली ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपके लिखे गए हैं, आप इस पॉइंट को इजीली अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। और इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कवर अप किया। ओके, तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।